आइए देखा जाए इसमें मोर एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए वाला एच है, बी के पास इस एच के बारे में और इस एच के बारे में पूछा जा रहा है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन है। तो अभी पिछले क्लास में या पिछले क्वेश्चन बताया गया था कि एसिड को डिफाइन करने के लिए आप कहते हैं एच प्लस आयन प्रोवाइड किया जाए और कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी एच हमारे पास दिए गए हैं उसको रिलीज करके हम एनायन बना देते हैं। तो अगर ये एनायन बनता है इट इज द मोर स्टेबल, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग यहां देखिए लोन पेयर हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे रेजोनेंस शो करेगा, और यहां पे देखिए लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये यहां भी रेजोनेंस शो करेगा। मतलब इसके दो तरह के रेजोनेंस हमारे पास है, जिसका मतलब होगा कि ये कार्बन आयन इज द मोर स्टेबल। अब हम बात करते हैं इस एच के बारे में, बात करते हैं अगर ये कार्बन आयन बनाता है तो यहां पे लोन पेयर होगा, सिग्मा बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, तो यहां पे हमारे पास केवल एक रेजोनेंस बनता है, रेजोनेंस एक बनता है इसका लोन पेयर के साथ। और यहां पे देखा जाए तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, यहां का एच को रिलीज कर दिया जाए, यहां के एच को हम रिलीज कर दें, तो यहां जो एनायन बन रहा है वो रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें जो है वो हम लोग के पास है, ए वाला है, फिर बटा बी है और लास्ट में सी, ये एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर।